हुआ ये पूरा इलाका, और इसके बीच का जो पूरा इलाका है यह वेस्टर्न रेलवे का इलाका है, जिसमें एक के बाद एक सात विस्फोट हुए हैं। इन सात विस्फोट के दौर में वेस्टर्न रेलवे को पूरी तरह यहाँ पर लोकल ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। जाहिर तौर पर अगर लोकल ट्रेन की आवाजाही यहाँ पर रुकती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो, इन इलाकों में खासतौर से भायंदर, बोरीवली, जोगेश्वरी, खार, बांद्रा, माहिम, माटुंगा, ये वेस्टर्न लाइन की वह लाइफ लाइन कहे जाने वाली रेखा है। इसमें सबसे ज्यादा लोग उपनगरी में जो रहते हैं वह इस लाइन से सफर करते हैं, और खासतौर से शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे के आ रहा हूं कल। और जो योजनाबद्ध तरीके से विस्फोट को अंजाम दिया गया है उसमें वक्त भी वही चुना गया कि ऐसे वक्त ये विस्फोट किया गया जिस वक्त सबसे ज्यादा लोग सफर कर रहे हो इसमें, यानी जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाए। और आतंकवादी कार्रवाई जिस तरीके से भी ये हुई है जो विस्फोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين जान, इमरान आ गया। आओ बिरादर आओ, बहुत दिनों बाद इस मुल्क की धरती पर मुलाकात हो रही है। अब यहां क्या करने आया? अरे बिरादर, थोड़ा आराम तो फरमाइए। दोस्त, मुझे इन बेकार की बातों में मत उलझाओ, पहले आने का मकसद जाहिर करो। मकसद? इरादा? हम मुसलमानों का एक ही मकसद, एक ही इरादा है, इस मुल्क की तबाही और यहाँ के मुसलमानों पर हो रही अत्याचार को खत्म करना। किसने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं? अब ये हिंदुस्तान ही हमारा मुल्क है और यहाँ के रहने वाले हमारे भाई बंधु हो चुके हैं। भाईजान, इसके दस्तूर बदले बदले से लग रहे हैं। जाहिर होता है इन हिंदुओं के साथ रह के इसने अपना मजहब और ईमान बदल दिया। हाँ हाँ, मैंने अपना मजहब बदल दिया है। जिस देश का राष्ट्रपति एक मुसलमान है, जहाँ ईद और दिवाली एक साथ मनाई जाती है, जहाँ 26 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पे तुम धर्म की बात करते हो? इस देश के लोगों का एक ही धर्म है, इंसानियत और प्यार। क्या तुम 93 की दंगों को भूल गए हो? वो एक धर्म के नाम की आंधी थी जिसने ना हिंदुओं को छोड़ा ना मुसलमानों को, सारी उसकी चपेट में आ गए थे। अब वो आंधी बहुत दूर जा चुकी है मेरे दोस्त, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मेरी आंखों के सामने मेरी अम्मी अबू को इन हिंदुओं ने जला दिया। जब भी उनकी याद आती है घर उठता है मेरा खून, आग लग जाती है सीने में। क्या किया था हमने? दो वक्त की रोटी खाते थे ना, जाके पूछो अपनी हुकूमत से, किसने दिए इन सेवकाने वाले हाथों में बम और बारूद, किसने मजबूर किया हमें बंदूक उठाने पर? जाओ जाओ पूछो अपनी हुकूमत से। लेकर असाले को चल। तो
चलो भाई जान देख इस लड़की की आंखों में देख कौन है ये हिंदू है ये हमारे जंग की शुरुआत करेगा हम जवाब देंगे इसे मारकर यहां की हुकूमत को कैसा जवाब और कैसी जंग यही कि अभी भी हम उन लोगों को नहीं भूले उन नफरत भरी आंखों को उन नंगी तलवार उठाए हाथों को खौल उठता है मेरा खून जब भी कुछ होता है कहीं बम धमाका हो सबसे पहले विरोध के रूप में उंगलियां हम पर उठती है क्योंकि हम मुसलमान हैं ना देख इसकी आंखों में वो डर है यही डर और दहशत मैंने अपने भाई बहनों की आंखों में देखी थी वो भी इन हिंदुओं के कारण लो बिरादर उठा लो इसे मारकर हमारी जंग की शुरुआत करो हमें जवाब देना है यहां की हुकूमत को उठाओ लो सोच कह रहे भाईजान अगर तुम्हारे रगों में सच्चे मुसलमान का खून है तो तुम ये बंदूक उठाओ तुम मुसलमान हो याद रखो अल्लाह मदद कुरान कभी किसी मुसलमान को मजहब के नाम पर जंग करना नहीं सिखाता मासूमों की जान लेना जिहाद नहीं है ये आग जिहाद के नाम पर ना हिंदू ना मुसलमान
सिर्फ इंसानियत को मारती है। आज अगर मैं इस हिंदू को मार देता तो 93 की आग फिर से दहल उठती, जो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने